एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह के बाद अब एक और कांग्रेसी विधायक में भाजपा प्रेम जागता हुआ दिखाई देता है। रायबरेली के गौरीगंज सीट से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते करते इतनी बातें कह दी, सीएम योगी को पिता तुल्य तक बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी का अपमान करने वालों के साथ यही होना चाहिए जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के साथ सोमवार को हुआ। कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह को इस काम के लिए सम्मानित किया और 51,000 रुपए का इनाम भी दे दिया। इतना ही नहीं, राकेश सिंह ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैं कांग्रेस के विधायक जरूर हूँ लेकिन योगी जी को मैं भगवान से कम नहीं मानता हूँ। इतना ईमानदार और इतना कर्मठ आज तक न उत्तर प्रदेश का विधायक हुआ हो ना होगा। मैं कांग्रेस के विधायक हूँ लेकिन कांग्रेस में एक भी नेता ऐसा नहीं जो योगी जी के टक्कर का हो, जो योगी जी के सामने खड़ा हो सकता हो, ना उनकी ईमानदारी में, ना उनके चरित्र में और ना उनके व्यवहार के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में साधु संतों ने टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बयान पर एतराज जाहिर करते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है। कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने राम और सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसको हाथरस से जोड़ा था, जिससे अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी है। संतों ने कल्याण बनर्जी से माफी मांगने के लिए कहा है। कल्याण बनर्जी का बयान भगवान राम का और भगवान का अपमान बताया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के माता सीता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद की गूंज अब संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले तक पहुंच गई है। आस्था के इस मेले में आए साधु संत और श्रद्धालु कल्याण बनर्जी के इस बयान से खासे नाराज हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। अमेठी के परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज कल्याण बनर्जी को संसद से बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर आज से अनशन पर बैठ गए हैं। मौनी बाबा का यह अनशन माघ मेले में संगम के नजदीक उनके आश्रम के शिविर में चल रहा है। मौनी बाबा के साथ उनके कई भक्त भी धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, मेरी व्यवस्था थी, मेरी आस्था को लोगों ने ललकारा, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी आस्था पर कुठाराघात किया। हम भक्तों का जीवन ही परमात्मा के लिए है। किसी सांसद को, किसी नेता को, मेरी इष्ट को गाली देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने गाली दिया जिससे मैं यहाँ अनुष्ठान करने आया था, मुझे अनशन करना पड़ा। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तीर्थराज प्रयाग में अनशन करना पड़ रहा है। मैं राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ उन्हें भारत के संसद में बैठने से बाहर किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि किसी को भी किसी की माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है। वो तो पूरे विश्व की माँ है, पूरे राष्ट्र की माँ है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।